जहां विरासत टैक्स को लेकर घमासान छिड़ा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलसूत्र पर की गई टिप्पणी को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने आभूषण दान किए थे, जबकि उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ऐसा कोई बलिदान दिया गया है। खड़गे के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी और अन्य नेताओं ने भी हल्ला बोला, तो दिग्गजों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी, वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी, उसका संघर्ष ये लोग आया। तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और में थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की एक तिहाई जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन में, तो एक तिहाई जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। 400 कार्ड, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके हैं। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर दो मकान है उससे एक मकान छीन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। जितने बयान अभी लगातार आ रहे हैं, जिस प्रकार से मैनिफेस्टो आए और उसमें कहा मुस्लिम लीग के तर्ज पे कर रहे हैं, और अभी मनमोहन सिंह जी के जो बयान है उस पे कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मोदी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मनमोहन सिंह जी के भाषण के एक टुकड़े का आप एक लाइन को उठा लेंगे, एक शब्द को उठा लेंगे, पूरा जो वाक्य उसूत पढ़ो आप, उसमें तो उन्होंने सबके लिए कहा है और आप केवल एक वर्ग की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ कहने कुछ नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम लीग का उल्लेख तक नहीं है, मुस्लिम का। दूसरा कहीं मंगलसूत्र सबको, हिंदुओं को मंगलसूत्र लेके सबको वितरण करना है, ये उल्लेख नहीं है। तो ये तो मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसी बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, तभी इस प्रकार से बातें करेंगे, अन्यथा कोई भी संतुलित व्यक्ति इस प्रकार से बात नहीं करेगा जो मोदी जी ने कही।